नमस्कार, बिहार मिथिलांचल में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चुनाव के दो दिन बचे हैं और कुछ कुछ ऐसे अपने कार्यों के आधार पर जो संगठन है वो संगठन अब निर्णय कर रही है कि हमको वोट किसको डालना है। ये बता दें, विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति और कास्टकर्मी है यहाँ पर। देखिए, जो यहाँ पर बिला दुला के पास कंगवा गुमती सागर, इसके अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि इस बार आप लोग का निर्णय क्या? हम लोगों का निर्णय ये है, हम लोगों ने 21 तारीख को निर्णय लिया है कि महागठबंधन को विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति की ओर से दरभंगा जिला की हम लोगों ने तय किया है संगठन के, जो RJD को हम लोग वोट करें ये संगठन के माध्यम से, ताकि हम लोग विश्वकर्मा समाज दरभंगा जिला में 1 लाख वोटर है और राजनीति में हम लोग कहीं भागीदारी हम लोग को नहीं मिला, इसलिए हम लोग इस बार RJD को मदद करेंगे। और तेजस्वी यादव से बात हुआ है कि विश्वकर्मा समाज को दरभंगा जिला से 1 विधानसभा टिकट देंगे, आप लोग विश्वकर्मा समाज को लड़ाइए। अच्छा, पहले किसको दिए थे? पिछली बार हम लोग 19 में नित्यानंद राय से हम लोग को पटना में बैठ के, जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे वार्ता हुई थी कि 5 विधानसभा टिकट बिहार में, पूरे बिहार में विश्वकर्मा को देंगे, पूरे विश्वकर्मा समाज हमको मदद कीजिए। विश्वकर्मा समाज ने पूरे संगठन निर्णय लिया कि 19 में हम लोग को BJP को वोट करना है। हम लोगों ने तन मन धन से BJP को वोट किए और जब विश्वकर्मा समाज का बारी आया 20 में तो अंगूठा दिखा दिया, कहा विश्वकर्मा समाज बनो। हम लोग बढ़ई जाति से आते हैं और बढ़ई जाति हम लोग जो है इस बार पूरे संगठन के माध्यम से, बढ़ई जाति अपने संगठन के माध्यम से ललित यादव जी को हम लोग मतदान करके जिताएंगे। हम लोग बढ़ई जाति के लोग हैं, मदन ठाकुर मेरा नाम है। हम लोग ये निर्णय लिए हैं, जो ललित यादव में वो खूबी है जो विश्वकर्मा समाज को देखते हैं, कभी अपेक्षित नहीं किए हैं, वो बहुत मदद करते हैं। हमको यही खूबी लगता है जो गोपाल जी ठाकुर 2010 ईस्वी में बेनीपुर से खड़ा हुए थे, वो 9800 वोट से जीते थे और फिर वही जनता उनको 2015 में 30,000 वोट से हराने का काम किया। वही मेरे ललित बाबू हैं जो अभी तक पूरे कार्यकर्ता को देखते हैं, उसके सुख दुख में हर वक्त साथ रहते हैं, इसीलिए हम सब उनको चुने हैं। एक ही और कहना चाहिए, नीति बैनर तले दरभंगा जिला में हम लोग एक मत पूरा एकजुट होकर के इस समाज के हम आह्वान करते हैं कि हम लोग को जो पिछले विधानसभा और लोकसभा में छगने का काम किया BJP वाले ने, इस बार एक होकर के पूरे लोकसभा में विश्वकर्मा समाज जो है सो ललटेम छाप ललित यादव को वोट करे। ये हमारे संस्था रजिस्टर संस्था है और इस संस्था के द्वारा हम एक आह्वान भी करते हैं कि हमको जो भी सरकार मान्यता देगा हम उसके साथ रहेंगे, यही बात मेन मुद्दा है हम लोग का। आज हमारा ललित यादव और तेजस्वी यादव से वार्ता हुई है जिसमें कि हमारे समाज पर कुछ काला कानून है जो कि जो है सो इन्हीं के सरकार में बना था। उन्होंने कहा है कि 1990 वन संशोधन अधिनियम उसको मैं समाप्त करूंगा, कास्ट शिल्पी आयोग का मैं गठन करूंगा। हम लोग के 7 सूत्री मांग को तेजस्वी जी ने कहा है कि जहां तक हो सकेगा मैं रखूंगा। इस विश्वास के साथ मैं पूरे विश्वकर्मा समाज जो है सो इस बार एकदम एक होकर के 6 विधानसभा में हम लोग रात दिन दौरा करके जो है सो किए हैं और विश्वकर्मा समाज को एक किए हैं। विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद, विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति जिंदाबाद। हम संघ का समर्थन करते हैं। तो चलिए, अब इस बार जो चुनाव, विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद। तो चलिए देखिए, इस बार का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है। हालांकि देखिए, चुनाव आते हैं जाते हैं लेकिन सभी अपने अपने समाज की सुरक्षा और आने वाले समय में पीढ़ियों के भविष्य को चिंता जताते हुए चुनाव में सक्रियता से भाग लेते हैं। अब इन लोगों का दायित्व है कि इस बार चुनाव में किस पर, किस तरह और कैसे वोट डालेंगे वो अपने समाज के लोगों को प्रेरित करेंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। YouTube में सब्सक्राइब कीजिए GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे। धन्यवाद।